हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ द ऑल न्यू सुजुकी की बर्गमैन स्ट्रीट, जो कि अभी फिलहाल लॉन्च हुई है 2020 में। तो यह है BS6 वेरिएंट। तो आपको इस वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा, इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो ये है सुजुकी की बर्गमैन स्ट्रीट, जो कि 125cc BS6 मॉडल है। तो मैं आपको सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मिल जाती है विंड स्क्रीन, और साथ ही उसके साथ आपको अलोंग द लाइन मिल जाते हैं पियानो इंसर्ट्स, जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है इसमें। और अगर हम बात करें इसके फ्रंट लुक में, तो आपको सबसे पहले जो है देखने मिलता है सुजुकी की ब्रांडिंग, जो कि है क्रोम में। साथ ही आपको जो है इसमें LED हेडलैम्प मिलता है, जिसमें आपको DRL भी दी गई है, और साइड में आपको देखने मिलता है इसके LED इंडिकेटर्स। तो अब बात करते हैं इसके फ्रंट टायर की। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 12 इंच का अलॉय व्हील, जो कि है MRF नायलन जैपर, और साथ ही यहाँ पर आपको मिलता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन फ्रंट में, और साथ ही डिस्क ब्रेक, इसमें आपको कॉम्बी ब्रेक भी मिलता है। अब मैं आपको इसका जो है फ्रंट प्रोफाइल एक बार दूसरे दिखा देता हूँ। तो बहुत ही बढ़िया लगता है ये फ्रंट से लुक, और साथ ही इसमें आपको 4 डिफरेंट कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम बात करें इसकी अगर डिजिटल मीटर की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक मल्टी फंक्शन फुल डिजिटल मीटर, जिसमें कि आपको स्पीड देखने को मिलेगी, डिस्टेंस ट्रेवल, उसके बाद फ्यूल इंडिकेटर, साथ ही आपको इसमें जो है टाइम क्लॉक भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो फुल्ली डिजिटल मीटर आपको मिलता है इसमें। इस हैंडल बार के लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिल जाती है अपर लोअर बीम की बटन, उसके नीचे हमें मिलते हैं टर्न इंडिकेटर्स, और साथ ही नीचे हॉर्न मिलता है। और अगर हम जाए इसके राइट हैंड साइड पे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो है स्टार्ट स्विच मिलता है इस गाड़ी का, और साथ ही अब आपको किल स्विच भी मिलने लग गया है। तो हमें हैंडल बार के बिल्कुल बीच में बिटवीन में मिल जाती है सुजुकी कंपनी की ब्रांडिंग, जो कि दी गई है हमें क्रोम में। और साथ ही अगर हम बात करें इसमें और हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मिलता है की होल, जहाँ पे आपको शटर लॉक दिया है, यहाँ पे आपको फ्रंट पॉकेट दिया है कुछ सामान रखने के लिए, यहाँ पर आपको मिल जाता है एक लगेज हुक, थोड़ा बहुत सामान आप टांग सकते हैं, और साथ ही लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलता है ग्लव बॉक्स, जहाँ पे आपको एक USB चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलेगा एज यूजुअल, जिसमें पहले भी दिया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे फ्रंट इसके फ्लोर बोर्ड की, तो यहाँ पे जो राइडर की कंफर्टेबिलिटी के लिए, तो यहाँ पर आपको जो फ्लेक्सिबल फुट पोजीशनिंग मिलती है राइडर्स के फुट के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ दी गई है इसमें, ताकि राइडर्स जो है कंफर्टेबली अपनी जर्नी कंप्लीट कर सके। तो साइड प्रोफाइल कुछ इस तरीके से दिखता है इस बर्गमैन स्ट्रीट 125cc का, आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया लगती है, प्यारी लगती है। और उसके बाद यहाँ पे जो है आपको एल्यूमिनियम फुट रेस्ट दिया है पिलियन के लिए, और यहाँ पे आपको जो SEP की जो है एक ब्रांडिंग या फिर एक लोगो दिया गया है स्टिकर, साथ ही BS6 का भी यहाँ पे एक स्टिकर यहाँ पे उन्होंने दिया गया है। तो यहाँ पर आपको एक स्पोर्टी एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा, जो कि है डुअल टोन, तो ये है मैट फिनिश, और साथ ही इसमें जो है आपको क्रोम एलिमेंट भी दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया लगता है। और साथ ही इसमें यहाँ आपको आपको दी गई है बर्गमैन स्ट्रीट की ब्रांडिंग, जिसमें कि बर्गमैन आपको 3D में दिया गया है, और जो स्ट्रीट है ये एक स्टिकर के फॉर्म में दिया गया है। अगर हम बात करें इसमें पिलियन के कंफर्ट की, तो यहाँ पर आपको पिलियन के लिए खासकर एक बहुत ही अच्छा वाइड जो है आपको पियानो फिनिश में दिया गया है ग्रैब हैंडल्स, जो कि बहुत ही बढ़िया है, और यहाँ पे भी आपको बर्गमैन की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। और यहाँ पर अगर हम बात करें रियर टायर की, तो यह 10 इंच का अलॉय व्हील, जो कि है MRF का, यहाँ पर आपको दिया गया है स्विंग आर्म सस्पेंशन, और साथ ही यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलते हैं। तो पीछे की अगर हम बात करें लुक की, तो यहाँ पे भी आपको LED टेल लैम्प दिखती है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। पीछे आपको सुजुकी का जो है स्टिकर में ब्रांडिंग दी गई है, और पीछे आपको फेंडर पर रिफ्लेक्टर भी मिल जाता है। तो मैं आपको एक बार इसका टॉप व्यू दिखा देता हूँ गाड़ी का। तो ये रहा इस गाड़ी का टॉप व्यू। तो अगर हम बात करें इसके सीट की, तो जो राइडर और पिलियन दोनों के लिए फ्रेंड्स ये जो सीट है बहुत ही बढ़िया है, कम्फर्टेबल है, आराम से इस पर बैठ सकते हैं, और बहुत ही ब्रॉड सीट इसमें दी गई है। तो अब हम बात करते हैं अंडर सीट स्टोरेज कैपेसिटी की। तो यहाँ पर आपको 21.5 लीटर्स की स्टोरेज कैपेसिटी मिलती है, साथ ही यहाँ पर आपको एक टूल किट और मेडिकल किट मिलती है, साथ ही यहाँ पर आपको कुछ डिटेल दी गई है टायर्स के बारे में, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको यहीं पर मिल जाता है फ्यूल टैंक इस गाड़ी का, जो कि यहाँ पर इसका कैप आपको क्रोम में दिया गया है, और ये फ्यूल टैंक कैपेसिटी फ्रेंड्स इसमें आपको मिलती है 5.5 लीटर्स की। हम बात करते हैं इसमें कि आपको कौन कौन से कलर ऑप्शन अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको टोटल 4 कलर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले कलर फ्रेंड्स जो इसमें मैंने वीडियो में दिखाया है वो है पर्ल वाइट, उसके बाद आपको देखने को मिलता है मेटालिक मैट रेड, मेटालिक मैट ग्रे,
और आखिरी में मेटेलिक, मैट ब्लैक। तो ये चार आपको कलर ऑप्शन इस व्हीकल में देखने को मिलेंगे, जो कि चारों ही कलर बहुत ही बढ़िया है, पर जो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है वो है मेटेलिक मैट रेड। और साथ ही फ्रेंड्स आपको मैं जो है इस गाड़ी की जो है ऑन रोड प्राइस बता देता हूँ। तो फिलहाल ये जो फ्रेंड वीडियो है मैंने शूट किया है मां सुजुकी जो कि है कोइफिजा रोड भोपाल मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर जो उन्होंने मुझे ऑन रोड प्राइस जो बताई है इस गाड़ी की वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो ये रहेगी आपकी ऑन रोड प्राइस इस गाड़ी की। साथ ही अगर आप इसमें एसेसरीज लेते हैं तो उसकी जो है एड ऑन करके जो आपकी क्या प्राइस रहेगी वो भी आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। और उसके बाद इसमें आपको क्या एसेसरीज मिलती है अगर आप लेना चाहते हो अलग से, तो वो भी आपको जो है यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें गाड़ी में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को।